Omnitrix, Humongousaur. Humongousaur. Humongousaur, पेंटेन के उन एलियन में से एक एलियन है जिन्हें फैंस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कई पेंटेन फैंस तो ये भी कहते हैं कि इस एलियन के नाम में ही बहुत ज्यादा पावर है। पर जब से Humongousaur को पहली बार बेंटेन में अपीयर कराया गया है तब से हर नए सीजन और नए सीरीज के साथ Humongousaur के डिजाइन को कहीं ना कहीं थोड़ा बदल दिया जाता था और ऐसा ही करके हमें कई सारे डिफरेंट Humongousaur हमें बेंटेन में देखने को मिले हैं। तो इसलिए जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसका नाम ही है द इवोल्यूशन ऑफ Humongousaur कि आखिरकार किस किस तरह के और कैसे कैसे चेंजेस हमें बेंटेन के इस फेमस एलियन के साथ देखने को मिले हैं अभी तक, जिससे जो Humongousaur है आज इतना ज्यादा फेमस हो गया है। और वीडियो के एंड में एक ऐसा जबरदस्त फैक्ट है जिसे ज्यादातर बेंटेन फैंस मिस कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। खैर छोड़ो, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं जिसे सिर्फ Humongousaur के बिगेस्ट फैन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Humongousaur, वैसे तो कई सारे Humongousaur हमें बेंटेन में दिखाए गए हैं पर जो Humongousaur हमें पहली बार बेंटेन में दिखाया गया था वो था ये, जिसे बेंटेन एलियन फोर्स के दूसरे एपिसोड में पहली बार दिखाया गया था सन 2008 18 अप्रैल को, जहां फैंस इस एलियन को देखने के बाद इसके बहुत ज्यादा दीवाने हो गए थे और क्रिएटर्स ने भी नहीं सोचा था कि ये एलियन बेंटेन फैंस के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और यही वो पहला फेमस एलियन था जिसने बेंटेन एलियन फोर्स को एक बिल्कुल ही जेकर्व दिया और यही वो पहला Humongousaur भी था जिससे Humongousaur की जर्नी की शुरुआत भी होती है। और कहीं ना कहीं जब भी Humongousaur का नाम आता है तो हमारे मन में जो पहला इमेज बनता है वो इसी Humongousaur का बनता है। और मैंने भी और आपने भी मुझे लगता है कि कई बार Humongousaur का नाम जरूर लिया होगा, नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। इसे बस एक छोटी सी टक्कर ही समझो, एम्बुलेंस भेजो। इसके बाद जो हमें अगला Humongousaur देखने को मिला वो भी हमें बेंटेन एलियन फोर्स में देखने को मिला और वो भी यही Humongousaur था, पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि ये अपनी हाइट को 5 गुना तक इंक्रीज कर सकता था, जहां इसकी नॉर्मल हाइट 12 फीट थी तो ये अपनी हाइट को 60 फीट तक कर सकता था। और ये वाला Humongousaur बहुत ज़्यादा कूल था अपनी हाइट को इंक्रीज करने के बाद, जहाँ इसका आर्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता था जब ये अपनी हाइट को इंक्रीज करता था। और ये Humongousaur भी बेंटेन फैंस के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ है, इसके बाद जो अगला Humongousaur हमें बेंटेन में देखने को मिला, दरअसल वो हमें बेंटेन में नहीं बेंटेन की एक मूवी में देखने को मिला जिसका नाम था बेंटेन एलियन स्वॉर्म। और यहाँ पर जो ये वाला Humongousaur था वो बेंटेन फैंस के बीच इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इस Humongousaur का जो CGI था वो भी इतना खास नहीं था और बहुत ज़्यादा डार्क होने के कारण जो Humongousaur की इमेज थी, जो हम बेंटेन फैंस के मन में जो Humongousaur की इमेज थी, वहाँ पर ये वाला Humongousaur खड़ा नहीं उतरा और एक तरह से ये वाला Humongousaur बेंटेन फैंस के बीच फ्लॉप सा रह गया। और फिर इसके बाद जो हमें अगला Humongousaur देखने को मिला वो था ये बेंटेन का सबसे डेंजरस Humongousaur जिसका नाम था अल्टीमेट Humongousaur, जहां पर पहली बार एल्बिडो इस Humongousaur में ट्रांसफॉर्म होता है अपने नॉर्मल वाले Humongousaur को अल्टीमेट रूप में डाकर, जिसके बाद जो Humongousaur की पावर थी वो कई गुना इंक्रीज हो जाती है और इसका जो डिजाइन था वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जहाँ पर जो ये अल्टीमेट Humongousaur था अभी तक का सबसे पावरफुल Humongousaur था। और जब हमने इसकी फाइट देखी थी, हम बेंटेन फैंस ने इसकी फाइट देखी थी, तो हम सब एक वक्त के लिए दंग रह गए थे क्योंकि अकेले इस Humongousaur ने सैकड़ों Humongousaur को हरा दिया था। और यही वो Humongousaur था जिसने
मंगासोर की कम हो रही पावर को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। इसके अलावा जो बेंटन फैंस हैं वो ये कहते हैं कि ये काफी कूल, स्टाइलिश और एक्स्ट्रा पावरफुल बीइंग लगता है, और कई बेंटन फैंस ये भी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसका लुक भी बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है। मिलो अल्टीमेट ह्यूमंगसोर से। मैं तुमसे भी ताकतवर लोगों को हरा चुका हूँ। एंड देन इसके बाद जो हमें अगला ह्यूमंगसोर देखने को मिला वो भी एक और मूवी से देखने को मिला, और वो था जनरेटर रेक्स की मूवी। और यहाँ पर एक अलग डायमेंशन से जो ह्यूमंगसोर था वो जनरेटर रेक्स के डायमेंशन में आता है, और यहाँ पर जो ह्यूमंगसोर का आर्ट स्टाइल और डिजाइन था वो थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर जो इसकी आंखें थी वो काफी ज्यादा चेंज होती है, और इसका जो लुक होता है वो भी काफी डिफरेंट होता है बाकी सभी ह्यूमंगसोर से। इसके अलावा कोई खास पावर हमें इस ह्यूमंगसोर में देखने को नहीं मिली थी। Dangerous aliens are not welcome on my planet! और फिर इसी मूवी में हमें एक और ह्यूमंगसोर देखने को मिलता है जिसमें अल्फा ट्रांसफॉर्म होता है, और वो काफी डेंजरस और काफी वाइल्ड टाइप का ह्यूमंगसोर था। वो कुछ इस तरह का था जो बेंटन फैंस को उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। और फिर इसके बाद जो अगला ह्यूमंगसोर हमारी लिस्ट में है वो है ये, जो हमें बेंटन ओमनिवर्स में पहली बार देखने को मिला था। और यहाँ पर इस ह्यूमंगसोर के पास एक बेल्ट थी ग्रीन रंग की, और इसका साइज भी थोड़ा छोटा था एज पर आप कंपेयर करें जो पहले वाले ह्यूमंगसोर थे। और ये ह्यूमंगसोर भी बेंटन फैंस के बीच उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया जितना कि पहले वाले ह्यूमंगसोर थे। और यहाँ पर इसकी जो खास पावर थी अपनी हाइट को इंक्रीज करना और अपनी पावर को बढ़ा लेना, वो भी यहाँ पर इस ह्यूमंगसोर में हमें देखने को नहीं मिली थी। और फिर इसके बाद बेंटन ओमनिवर्स में ही हमें एक और ह्यूमंगसोर देखने को मिलता है जिसमें एल्बिडो ट्रांसफॉर्म होता है, और वो था अल्टीमेट ह्यूमंगसोर, जिसका लुक पहले वाले अल्टीमेट ह्यूमंगसोर से पूरी तरह से इंस्पायर था, पर बहुत सारे चेंजेस थे जो इस अल्टीमेट ह्यूमंगसोर में किए गए थे। इसके अलावा ये वाला ह्यूमंगसोर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था अगर आप कंपेयर करें पिछले वाले अल्टीमेट ह्यूमंगसोर से। वैसे आपको कैसा लगा था ये वाला अल्टीमेट ह्यूमंगसोर मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। ये मजेदार है। और फिर इसके बाद जो हमें अगला ह्यूमंगसोर देखने को मिला वो था ये फोर मंगसोर, जिसमें बेंटन 1000 ट्रांसफॉर्म हुआ था, जहां पर बेंटन के दो फेमस एलियन फोर आर्म्स और ह्यूमंगसोर हमें पहली बार एक साथ एक ही बॉडी में देखने को मिले थे, और यहां पर इनकी पावर कई गुना बढ़ गई थी दोनों के कंबाइन होने से। और ये वाला ह्यूमंगसोर बेंटन फैंस के बीच काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था, और ये हमें अभी तक एक ही बार बेंटन में देखने को मिला है। जैसे एक पुराना दोस्त कहा करता था। इसके अलावा जो अगला ह्यूमंगसोर हमारी लिस्ट में है वो है ये ह्यूमंगोपसोर, और ये था गूप और ह्यूमंगसोर का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर गूप की पावर और ह्यूमंगसोर की पावर एक साथ कंबाइन थी, और दोनों की पावर बहुत ज्यादा यूनिक बनाती थी इस फ्यूजन एलियन को। और बेंटन फैंस के बीच ये वाला डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक रहा था जब बेंटन ओमनिवर्स दिखाया जा रहा था। और दो पंच लगाया होता तो मैंने ही इसे खोल दिया होता। ऐसी बात है तो जाओ और उसे पंच मारो। इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगला ह्यूमंगसोर है वो है एक बिल्कुल ही नई सीरीज से, जो था बेंटन रिबूट। और यहाँ पर जो ये ह्यूमंगसोर था ये भी काफी कूल था, और ये भी हमें बेंटन के पुराने ह्यूमंगसोर की याद दिलाता था अपने इस नए डिजाइन के साथ। और यहाँ पर जो ये वाला ह्यूमंगसोर था बेंटन के जो छोटे छोटे फैंस थे उनके बीच में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अगर आप इसे फॉरेन कंट्री में देखो तो बहुत ज्यादा फेमस ये ह्यूमंगसोर उन बेंटन फैंस के बीच हुआ था।
इसके बाद हमारी लिस्ट का आखिरी ह्यूमंगसॉर जो एक तरह से ह्यूमंगसॉर है भी और नहीं भी, वो है ये बेंटन रिबूट का ही एक ह्यूमंगसॉर जिसमें केविन ट्रांसफॉर्म हुआ था। और इसका लुक ओरिजिनल वाले ह्यूमंगसॉर से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और इस ह्यूमंगसॉर में जो केविन है वो फंस चुका है और अपने रियल रूप में अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है। और यहाँ पर इस ह्यूमंगसॉर का लुक काफी ज्यादा सिमिलर सा लगता है एक डायनासोर से। इसके अलावा जो ये वाला ह्यूमंगसॉर है हमें अभी तक एक ही बार बेंटन रिबूट में देखने को मिला है। तुम सच में बदल गए हो। मैं तो बदलता रहता हूँ पर ये बेचारा केविन अब बदल नहीं पाता। तो ये थे वो सभी डिफरेंट ह्यूमंगसॉर जो हमें बेंटन के डिफरेंट सीरीज और सीजन में देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ और ह्यूमंगसॉर हैं जो हमें बेंटन में दिखे थे, जैसे कि ये जिसका लुक बिल्कुल ही ह्यूमंगसॉर की तरह था और ये एक गॉगल पहनता था पर ये असल में ह्यूमंगसॉर नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ थे जैसे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये ह्यूमंगसॉर जिसे मैंने अपनी लिस्ट में नहीं शामिल किया है और कई सारे। पर जो हमारी लिस्ट के मेन ह्यूमंगसॉर थे उन्हें आज मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखा दिया है, जिनकी जगह हम बेंटन फैंस के दिल में कहीं ना कहीं बसी हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे नहीं पता आपको कैसी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपनी पावर्स का यूज करना और वीडियो को लाइक करना और ह्यूमंगसॉर के बिगेस्ट फैंस के साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर कोई सवाल अभी भी आपके मन में उठा हुआ है तो नीचे कॉमेंट में जरूर पूछ लेना। और एट दी एंड जो फैक्ट था जो मैं तुम्हें बताने वाला था वो था ये कि ह्यूमंगसॉर बेंटन का वो एलियन है जिसमें बेंटन के जो विलन्स हैं वो भी ट्रांसफॉर्म होना पसंद करते हैं। और जब भी कोई विलन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है तो वो ह्यूमंगसॉर जरूर होता था जिसमें जो वो विलन था ट्रांसफॉर्म होता था, फिर चाहे वो केविन हो या फिर विलगैक्स या फिर एल्बिडो। और चाहो तो तुम एजमत को भी शामिल कर लो, ये सभी ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, फिर चाहे वो बेंटन से लड़ना हो या फिर किसी और से। तुम बोलना भूल गए, ये है हीरो टाइम। सॉरी बच्चे, ऑटोग्राफ के लिए वक्त नहीं है।